Good morning, class 1 students. So in today's English class, I'll start a new chapter, that is my day, from chapter 2, my day daily routine. Okay, so Teddy does not wash his face. I wake up, then I go and wash my face. I brush my teeth and then I get dressed. Teddy does not brush his teeth. So ये जो चैप्टर है, जो लेसन है, यहाँ पे माई डे, यहाँ पे जो चाइल्ड हुआ अपना माई डे, मतलब अपना दिन, जो उसका सुबह से रात तक, सोने तक वो क्या क्या करता है, वो यहाँ पे बताया गया है. ठीक है, तो पहले सुबह उठ के टेडी डज नॉट वॉश हिज फेस, ये बता रहा है. और पहले वो बता रहा है आई वेक अप, पहले वो अपने उठने का बारे में बोल रहा है. आई वेक अप मतलब वो सुबह उठा. ठीक है, सो के जैसे आप लोग उठते हो, वैसे भी यहाँ पे बताया गया है आई वेक अप, उठ के आई गो एंड वॉश माई फेस. सो पहले उठ के वो अपना फेस धोया, मुख धोया, और वो अपने टेडी का बारे में बता रहा है, जो वो टेडी डज नॉट वॉश हिज फेस. सो उस वो जो चाइल्ड है, उसने अपना फेस धोया, लेकिन वो टेडी के बारे में बता रहे कि टेडी डज नॉट वॉश हिज फेस. एंड देन आई ब्रश माई टीथ. आफ्टर वॉशिंग हिज फेस, वो बता रहा है कि आई ब्रश माई टीथ, वो दांत टूथ ब्रश करता है. एंड देन आई गेट ड्रेस, वो ड्रेस पहनता है अपना. जो देन फिर टेडी के बारे में बता रहा है कि टेडी डज नॉट ब्रश हिज टीथ. ओके, देन नेक्स्ट आई हैव ब्रेकफास्ट. अब तो ब्रश करने के बाद आप लोग भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो भी बता रही है कि वो आई हैव ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता करता है. सो माई फेवरेट ब्रेकफास्ट इज उपमा. तो उसका जो फेवरेट ब्रेकफास्ट है वो क्या है, उपमा. तो उपमा वो सबसे ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए वो बता रही है कि माई फेवरेट ब्रेकफास्ट इज उपमा. ओके, देन आई पैक माई बैग एंड देन गो टू स्कूल. टेडी डज नॉट गो टू स्कूल विथ मी. सो आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट करने के बाद आई पैक माई बैग एंड गो टू स्कूल. स्कूल जाती है वो, पैक बैग को पैक करती है, बुक्स घुसाती है, उसके बाद स्कूल आती है. और वो ये भी बता रही है कि टेडी डज नॉट गो विथ मी, टेडी उसके साथ स्कूल नहीं जाती है. ऐसे आप लोग भी ब्रेकफास्ट करके स्कूल आते हो कि नहीं, उसी तरह यहाँ पे जो चाइल्ड है वो भी बैग पैक करके स्कूल जाती है. देन आई कम होम फ्रॉम स्कूल एंड देन आई प्ले विथ माई सिस्टर. वी हैव लॉट्स ऑफ फन. सो आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल सी प्लेज विथ हर सिस्टर. सो स्कूल से जाने के बाद वो क्या करती है, अपने बहन के साथ या फिर दीदी के साथ क्या करती है, खेलती है. इससे आप लोग भी स्कूल से जाके खेलते हो कि नहीं, लंच करने के बाद खेलते हो. वैसे ही यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपनी बहन के साथ खेलती है और बहुत फन करती है. दे हैव लॉट्स ऑफ फन. ओके, देन टेडी डज नॉट ब्रश हिज टीथ. आई टेक ए बाथ टू. टेडी डज नॉट टेक ए बाथ. आई हैव माई डिनर एंड देन आई ब्रश माई टीथ. सो इसके बाद वो नहाती है, नहाने के लिए जाती है, ब्रश भी करती है टीथ. एक बार वो सुबह मॉर्निंग में ब्रश करती है, तो एक दिन में दो बार ब्रश करना चाहिए, ट्वाइस ए डे. वी शुड ब्रश और टीथ ट्वाइस ए डे, ये सबको मालूम है कि नहीं. सो यहाँ पे भी सुबह एक बार ब्रश करती है, रात को फिर वो डिनर करने के बाद अपना जो रात का जो खाना होता है उसको क्या बोला जाता है, डिनर. डिनर करने के बाद वो ब्रश करती है. और वो ये भी बताती है कि टेडी डज नॉट बाथ एंड टेडी डज नॉट ब्रश हिज टीथ. देन आई गो टू बेड एंड रीड माई बुक. टेडी कम्स टू बेड विथ मी. सो टेडी उसके बाद ब्रश, डिनर करने के बाद, नहाने के बाद, ब्रश भी कर लिया, उसके बाद क्या करती है, शी गोज टू हर बेड, बेड पे जाती है सोने के लिए. और सोने के पहले वो बुक्स पढ़ती है. आई रीड माई बुक, हमें बता रहे कि वो बुक पढ़ती है. ठीक है, सो टेडी, और टेडी के बारे में बता रही कि टेडी ऑल्सो कम्स विथ मी. सो वो जब बेड पे जाती है वो साथ में किसको लेके जाती है, टेडी को. ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. सो ये चैप्टर जो है
एक चाइल्ड के बारे में दिया गया है, एक लड़की के बारे में दिया गया है, वो अपना दिन में सुबह से रात तक क्या करती है वो बता रहा है, और टेडी के बारे में बता रहा है। ओके सर, ओके।